नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। धौलपुर जिले के कांग्रेस नेत्री शालिनी शर्मा के द्वारा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में धूलकोट स्थित इंदिरा रसोई में 151 गरीब असहाय लोगों को फ्री भोजन करवाया और साथ ही धौलपुर जिले में मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को गर्म कपड़े, फल, गुड़, तिल के लड्डू का वितरण किया गया। सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का भी पूरा ध्यान रखा गया और सभी लोगों को कोरोना से बचाव के नियमों के बारे में बताया गया। सभी से पूर्ण वैक्सीनेशन करवाने की अपील की गई। इस मौके पर वीरेंद्र राजपूत, राजू खान, इमरान खान आदि लोग उपस्थित थे। सरमथुरा उपखंड में इन दिनों ई मित्र सेवा केंद्र की दुकानों पर ई श्रम कार्ड बनवाने को लेकर युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। युवा ई मित्र केंद्रों पर अपना कार्ड बनवाने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दें, मजदूर वर्ग को देखते हुए ई श्रम कार्ड के बहुत फायदे हैं। इसी को लेकर मजदूर वर्ग एक युवाओं में कार्ड बनवाने की होड़ सी लगी है। फलस्वरूप उपखंड सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सुबह से ही ई मित्र केंद्रों पर आकर अपना कार्ड बनवा रहे हैं। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। जिले भर में पिछले कुछ दिनों से मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है, जिससे अचानक से जिले भर में घने कोहरे के साथ साथ सर्दी भी बढ़ गई है, जिससे आमजन की सर्दी की वजह से छक्के छूट रहे हैं। लोग अपने घरों में ही दुबक रहे हैं। इसी क्रम में सरमथुरा उपखंड में भी आज फिर मौसम ने मिजाज बदल लिया। फलस्वरूप सुबह से ही तेज सर्दी रही, सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हुए, साथ ही बाजार भी अधिकतर सुनसान नजर आए। वहीं लोगों ने सर्दी को देखते हुए दाल टिक्कर आदि का लुत्फ उठाया। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर में राष्ट्रीय युवा सप्ताह एवं आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र धौलपुर द्वारा सामाजिक सेवा दिवस पर चंबल गार्डन में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी पंकज यादव ने युवाओं को संबोधित करते हुए सामाजिक सेवा दिवस की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, इस दिन आयोजित गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थी समाज के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित के कार्य करते हैं। इस अवसर पर युवा मंडल सदस्यों को जल संचयन शपथ दिलाई गई। युवा मंडल अध्यक्ष सारांश अग्रवाल के नेतृत्व में युवा मंडल सदस्यों ने चंबल गार्डन धौलपुर की साफ सफाई की। सारांश अग्रवाल ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आयोजित युवा सप्ताह के अंतर्गत चौथा दिन नेहरू युवा केंद्र द्वारा समाज सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। धौलपुर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक रजत और ऋतिक कुमार ने बताया, समाज सेवा दिवस पर हाउसिंग बोर्ड के सदस्य द्वारा छावनी में स्थित राम मंदिर की सफाई करके वहां स्वच्छता के प्रति युवाओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया। मौके पर सौरभ कुमार, सत्येंद्र कुमार, दिनेश चंद शर्मा सहित युवाओं ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे से आज पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सर्विस रोड से अस्थाई अतिक्रमण को ध्वस्त करा दिया। विगत लंबे समय से दुकानदारों ने सर्विस रोड पर अतिक्रमण किया था, जिसकी शिकायत जिला प्रशासन को मिल रही थी। शिकायत पर पुलिस और प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए शनिवार को कार्रवाई को अंजाम दिया है। मनिया कस्बे के दोनों तरफ सर्विस रोड पर अस्थाई दुकानें संचालित हो रही थी। पुलिस और प्रशासन ने जेसीबी मशीन के सहयोग से दुकानों को हटाया है। धौलपुर जिले में कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित कराने के लिए धौलपुर पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। जिले भर में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिले भर में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विगत 24 घंटों में 89 कार्रवाई कर 11,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। धौलपुर पुलिस ने पिछले 24 घंटों में जिले भर में मास्क नहीं लगाने पर एक व्यक्ति पर 1,000, बिना मास्क लगाकर सामान विक्रय करने पर एक दुकानदार पर 500, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 8 व्यक्तियों से 1,600, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 79 व्यक्तियों पर 7,900 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। धौलपुर बाड़ी शहर के बस स्टैंड के सामने 15 वर्षीय बालिका को तेज रफ्तार ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में बालिका गंभीर रूप से जख्मी हो गई। एक्सीडेंट को देखे स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, लेकिन ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। परिजनों को सूचित कर बालिका को बाड़ी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन बालिका की गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक 15 वर्षीय गुलनाज पुत्री हनीफ साइकिल से बाजार में जा रही थी, लेकिन बस स्टैंड के सामने तेज रफ्तार ट्रक चालक ने बालिका को टक्कर मार दी। दुर्घटना को अंजाम देकर ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। लोगों ने घटना की सूचना परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने सरकारी अस्पताल उसे भर्ती कराया और घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई।
भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश द्वारा सोशल विभाग की संयोजक एवं सह संयोजकों की नियुक्ति की गई, जिसमें धौलपुर के संयोजक के पद पर ऋतिक वर्मा एवं सह संयोजक के पदों पर शिवशंकर परिहार, श्रेया राणा को नियुक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के निर्देशानुसार संपूर्ण राजस्थान में सोशल मीडिया संयोजक सह संयोजकों की नियुक्ति की गई है। इस अवसर पर धौलपुर में ऋतिक वर्मा का जिला पदाधिकारियों द्वारा माला पहनाकर साफा पहनाकर स्वागत किया। सोशल मीडिया के संयोजक एवं सह संयोजक की नियुक्ति से आमजन तक अपनी बात पहुंचाने में बहुत मदद मिलेगी। वर्मा ने नियुक्त किए गए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, कोषाध्यक्ष मोहन वर्मा, प्रभारी रणवीर गुर्जर, कार्यालय मंत्री नंदकिशोर, अनिल वाल्मीकि आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर में राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा आवंटित क्रियात्मक शोध स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की वस्तु स्थिति, उपलब्धि, समस्याओं का अध्ययन विषय पर डाइट प्राचार्य महेश मंगल के नेतृत्व में शोध कार्य हेतु विद्यालय का सर्वे किया गया। डाइट प्राचार्य के साथ शोधार्थी व्याख्याता राबा उमावी धौलपुर, भगवान सिंह मीना एवं अध्यापक राव मावी दयेरी जय सिंह सिकरवार ने प्रश्नावलियों के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करते हुए भौतिक स्थिति की जांच की। टीम ने विद्यालय की भौतिक स्थिति, मानवीय संसाधन, शिक्षण अधिगम, प्रवेश प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, वित्तीय प्रबंधन, सामुदायिक संबंध आदि विषयों पर शोध हेतु संस्था प्रधान, शिक्षकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों, प्रश्नावलियों के माध्यम से सर्वे कर उनके अभिमत भी लिए। आपको बता दें, सरकार द्वारा विवेकानंद विद्यालयों की स्थापना शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर इन विद्यालयों की स्थापना की गई है। इन विद्यालयों में विज्ञान वर्ग के साथ कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन करते हैं। डाइट द्वारा किए जा रहे क्रियात्मक शोध किताब के रूप में प्रकाशित किया जाएगा, जिसे CERT उदयपुर राजस्थान के समस्त जिलों की डाइट एवं विभिन्न शिक्षण संस्थानों को ये पुस्तक निशुल्क वितरित की जाएगी, ताकि अन्य लोग भी इन शोधों से लाभान्वित हो सकें। इस अवसर पर प्राचार्य डाइट महेश मंगल, प्राचार्य मॉडल स्कूल अनिल कुमार यादव, अध्यापक जय सिंह, वरिष्ठ अध्यापक राजेश मीणा सहित अन्य स्टाफ के सदस्य मौजूद रहे। धौलपुर पुलिस अधीक्षक शिवराज सिंह मीणा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीणा द्वारा जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अवांछनीय तत्वों जुआ खेलने सट्टोरियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा थाना कंचनपुर के नेतृत्व में 2 कार्रवाई की गई, जिसके तहत 2 सट्टोरियों को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से कुल सट्टा राशि 3185 रुपये, सट्टा उपकरण सहित बरामद किए गए। पहला मुलजिम दुर्ग सिंह पुत्र मुकुंदी निवासी बड़ापुरा थाना कंचनपुर को बड़ापुरा तिराहा बस 1000 से सट्टे की खाईबाड़ी करते हुए सट्टा राशि 1090 व सट्टा उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। दूसरे आरोपी को सूचना पर थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा उपनिरीक्षक के नेतृत्व में भगवान सिंह पेट्रोल पंप जयपुर रोड से सट्टे की खाई करते हुए मुलजिम उदय सिंह पुत्र भगवंत जाति कुशवाहा निवासी वैदरपुर थाना कंचनपुर को सट्टा राशि 2085 सट्टा उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया। धौलपुर जिले में आए 120 नए कोरोना पॉजिटिव केस, कुल 449 कोरोना पॉजिटिव केस एक्टिव। जिले में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, शनिवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई जांच की जा रही है। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।